Hello students, yesterday we discussed about the stamen, microsporogenesis and pollen grains. Today I'm again here to discuss our next topic, which is microspore and pollen grain. Hope you everybody understood the last topic yesterday which we have done. I think you have no doubt. So we are going to discuss our new topic today. Our topic is microspore and pollen grain. Now everybody is aware about the term microspore because we are doing just revision of the syllabus. We are not doing syllabus. Syllabus is already done, but we are doing the revision. So everybody is aware about the microspore. What is microspore? It is haploid, uninucleate and minute spore produced in large number from MMC, microspore mother cell, or PMC, pollen mother cell, by the process of meiosis. What do you mean by this statement? Microspore is haploid. Haploid means half number of chromosome, single set of chromosome. Uninucleate. Uninucleate means, uni means single. Nucleate means nucleus, having single nucleus. And minute means very small, very teeny spore, and which is produced in a large number. Ki bahut zyada number mein ye produce hote hain aur kahan se produce hote hain? Yesterday we discussed about the thing. कि ये माइक्रोस्पोर कहाँ से बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं या पोलन मदर सेल से बनते हैं, ठीक है। एंड हमने ये भी बात की थी कि माइक्रोस्पोर कितने बनते हैं, कोई किसी भी एक पोलन मदर सेल में या माइक्रोस्पोर मदर सेल में किसी भी में भी एक में मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो क्या होता है कि चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी टेट्राड बनता है माइक्रोस्पोर का, जो सेपरेट होते हैं लेटर व्हेन एंथर मैच्योर। अब वो सेपरेट हो चुके हैं, सो वी आर डिस्कसिंग दैट माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है। सबसे पहले माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर के अंदर ये ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। नाउ दिस इज न्यूक्लियस, वन वैक्यूल इज प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोर। देन माइक्रोस्पोर में क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस था वहाँ पे असिमेट्रिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है, कि न्यूक्लियस की डिविजन स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग। वैन न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग देन दिस माइक्रोस्पोर is having two type of cells या two cells उसके अंदर बन जाते हैं जब उसके अंदर division हो जाती है। तो वो दोनों cells कौन कौन सी है? Vegetative cells and generative cells. Vegetative cell and generative cell, two cells are present in the microscope. इनके बारे में हम थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब माइक्रोस्पोर के बाद ये क्या बन गया है? पोलन ग्रेन बन गया है। What is this? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन में क्या होता है कि एक सबसे आउटर कवरिंग होती है which is known as एग्जाइन, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग। उसके अंदर एक और कवरिंग है, एक और मेम्ब्रेन है एग्जाइन के अंदर है, जो जिसका नाम क्या है? इंटाइन। नाम से पता चल रहा है इन अंदर, एग्स बाहर, आउट, ठीक है। एग्जाइन आउटर कवरिंग और इंटाइन इनर कवरिंग। एंड देन दिस इज वैक्यूल, ये क्या है? वैक्यूल है। वैक्यूल, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट वैक्यूल कि ये क्या होते हैं। एंड देन दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस पार्ट इज नोन एज जर्म पोर। इसको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। सो सबसे पहले माइक्रोस्पोर होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, देन न्यूक्लियस में स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल डिविजन होती है, दो सेल बन जाती हैं, एक लार्जर और एक बिगर। उसके बाद फाइनली पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बन जाता है, पोलन ग्रेन बन जाता है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज माइक्रोस्पोर, व्हाट इज पोलन ग्रेन, दोनों को सेम मान लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट डू मीन बाय द बोथ टर्म्स माइक्रोस्पोर, इज देयर एनी डिफरेंस और बोथ आर सिमिलर? तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर क्या था? हैप्लोइड और यूनिन्यूक्लियेट था, जो अभी जर्मिनेशन इसके अंदर स्टार्ट नहीं हुआ है, जो जर्मिनेट नहीं हुआ है। नाउ व्हाट इज पोलन ग्रेन? इसको हम मेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गेमेटोफाइट। इट इज पार्टली जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर। पार्टली मीन्स इनकम्प्लीट, जो पूरे तरीके से जर्मिनेट नहीं हुआ है, बट हाँ कुछ हो चुका है। पार्टली जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर है ये, इसको हम और क्या बोलते हैं? मेल गेमेटोफाइट। इसका एक सेकेंड नेम है जो क्या है? मेल गेमेटोफाइट। अच्छा, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पोलन ग्रेन जो होता है ये स्फेरिकल होता है, रफली स्फेरिकल, वी कैन से इट इज रफली स्फेरिकल। एंड 25 टू 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। कितना डायमीटर होता है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अच्छा, क्लियरली विजिबल कि जो माइक्रोस्पोर, सॉरी, ये पोलन ग्रेन है, इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो कवरिंग होती हैं, एक एग्जाइन, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, एग्जाइन इज
outer most covering, and it is hard, very hard, and it is made up of sporopollenin. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक्साइन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की होती है, जो एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है. क्या होता है? एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है. तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स को, कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. सो टू कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन इज देयर. सबसे पहले कौन है? एक्साइन. अच्छा, हम इसमें बात कर रहे थे कि हार्ड कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, और किस चीज़ की बनी हुई है ये? स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है. किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन. इसके बारे में हमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमें, जो एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. वन मार्क में ये पूछा जाता है. तो स्पोरोपोलेनिन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस. ये बहुत ही रेजिस्टेंट सब्सटेंस है. रेजिस्टेंट का मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ये बहुत ही हार्ड होता है. तो किस किस चीज़ से रेजिस्टेंस है? ये हाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंट है. यानी बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सेकेंड, एसिड एंड एल्कली. कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो और कितनी भी स्ट्रॉन्ग एल्कली हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसका भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो यही तो रीज़न है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन को मैनी ईयर्स तक, बहुत टाइम तक इनको स्टोर करके रखा जा सकता है. एज अ फॉसिल भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज ये जो आउटर कवरिंग हो किस चीज़ की बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, और इसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है. अच्छा, सबसे खास बात यह है कि नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट. नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट. कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, इसको वेस्ट नहीं कर सकता, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है. अब बहुत ही अच्छा एमसीक्यू बन सकता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए. सपोज कि बोला जाता है कि स्पोरोपोलेनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय द फॉलोइंग एंजाइम, कि स्पोरोपोलेनिन को इस एंजाइम से डिग्रेड किया जा सकता है. कोई भी चार एंजाइम दे देंगे ऑप्शन में, लाइपेज है, अमाइलेज है, या जो है अपना पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इस तरह के चार ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकता है. अच्छा, एक ऑप्शन ये डालेंगे नन ऑफ दिस, कि कोई भी नहीं कर सकता. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस, बिकॉज कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है. अच्छा, ये सब तो हुआ स्पोरोपोलेनिन के बारे में कि स्पोरोपोलेनिन कैसे एक्सिन को बनाता है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने ये बाहर कवरिंग बनाई है ग्रीन कलर में, ये मैंने कहीं कहीं पे छोड़ दी है. दो जगह जैसे मैंने यहाँ छोड़ दी है कि जो एक्साइन की कवरिंग होती है, एक्साइन मेम्ब्रेन होते हो, कुछ जगह पर नहीं होती है. तो वो कौन सी जगह है, कहाँ पर नहीं होती है? जर्म पोर पे नहीं होती है. कहाँ पे नहीं होती है? जर्म पोर पे नहीं होते है. जहाँ पे भी, अच्छा ये जर्म पोर किस में होते हैं? इंटाइन में बने होते हैं. जर्म पोर इंटाइन में होते हैं, और जहाँ पे भी जर्म पोर होगा उसके ऊपर किसकी कवरिंग नहीं होगी? एक्सिन की कवरिंग नहीं होगी. तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? इससे ये बेनिफिट होगा कि जहाँ पे जर्म पोर होगा वहीं से क्या होगा? पोलन ट्यूब अराइज करेगी. पोलन ट्यूब अराइज. तो पोलन ट्यूब के लिए ये एक इजी पाथवे हो जाएगा, क्योंकि अब हमने पढ़ा कि स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई एक्सिन, तो उससे वो कैसे बाहर निकल पाएगी? नहीं हो पाएगा ऐसा, वो उसको पेंट्रेट नहीं कर पाएगी. तो इसीलिए एक फ्लावर के अंदर या जो भी हमारा पोलन ग्रेन, इसके एक एडवांटेज होती है इसकी कि एक्साइन नहीं होगी यहाँ पे, तो ईजिली पोलन ट्यूब यहाँ से बाहर निकल सकती है. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट इंटाइन. एक्साइन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है. अब इंटाइन क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है किसकी? पोलन ग्रेन की, जो कि कैसी है? थिन है. एंड इनर मेम्ब्रेन, ये इनर है और थिन मेम्ब्रेन है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या है कि मेड अप ऑफ सेल्युलोज एंड पेक्टीन. जैसे हमारी एक्साइन किस चीज़ की बनी हुई थी? स्पोरोपोलेनिन की. तो इंटाइन किस चीज़ की बनी हुई है? सेल्युलोज, विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, एंड पेक्टीन. पेक्टीन ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक पॉलीसेक्रेहाइड है. तो सेल्युलोज और पेक्टीन की बनी हुई है कौन? इंटाइन. तो ये इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती, ये तो सॉफ्ट होती है, थिन होती है, इनर मेम्ब्रेन है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट टू मेम्ब्रेन ऑफ पोलन ग्रेन, एक्साइन एंड इंटाइन. इसके अंदर एक वैक्यूल भी होता है, जंप और मैंने बताया पोलन ट्यूब जहाँ से राइज होते हैं, न्यूक्लियस होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, हमने देख लिया है. अच्छा, एक चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था कि जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर दो सेल होती हैं. कितनी सेल होती हैं? दो सेल होती हैं. जैसे ये हमारा पोलन ग्रेन था, ठीक है, इस तरह से दो मेम्ब्रेन हो गई हैं इसकी, और इसके अंदर ये दो सेल होती हैं. एक क्या थी? वेजिटेटिव सेल,
एक का नाम क्या है वेजिटेटिव सेल और दूसरे वाले का नाम क्या है जनरेटिव सेल. व्हाट इज द नेम? जनरेटिव सेल. अच्छा ये हम इसके अंदर फ्लूड मटेरियल भी बना देते हैं. ये न्यूक्लियस है इनके अंदर, दोनों का न्यूक्लियस तुम देख सकते हो. अच्छा वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. अब इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कैसी होती है. इफ़ यू टॉक अबाउट वेजिटेटिव सेल तो ये कैसी होती है? इट इज़ बिगर. ये साइज में कैसी होती है? बिगर देन जनरेटिव सेल, साइज में बड़ी होती है. अच्छा और क्या? अबंडेंट रिजर्व फूड. इसके अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो अबंडेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. और क्या इसके बारे में? इरेगुलर न्यूक्लियस. इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इरेगुलर होता है. कैसा होता है? इरेगुलर. कोई खास सी अच्छी सी शेप होती नहीं है, तो हम इसको सर्कुलर ना बना के हम थोड़ा सा इस तरह से इरेगुलर बना सकते हैं. किसकी बात कर रहे हैं हम? वेजिटेटिव सेल की. विच इज़ बिगर इन साइज. यू कैन सी कि जनरेटिव से बड़ी होती है, अबंडेंट फूड मेटेरियल रिजर्व होता है और इरेगुलर इसका न्यूक्लियस होता है. इफ यू टॉक अबाउट जनरेटिव सेल इट इज स्मॉलर. कैसी होती है? स्मॉलर होती है. इसका साइज छोटा होता है. अच्छा ये फ्लोट कर रही होती है. कहाँ फ्लोट कर रही होती है? फ्लोट्स इन वेजिटेटिव सेल. जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, ये पूरी एक पहले वेजिटेटिव सेल होते हैं, उसके बाद इसमें दो डिवीजन हो जाती है, तो ये जेनेटिव सेल छोटी बन जाती है और ये फ्लोट करने लग जाती है. किस में? इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाती है, तो ये जेनेटिव सेल छोटी होती है. अच्छा इसका जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है. इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म. इट हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म. किसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. तो हमने बात की कि जो पोलन ग्रेन होता है इसमें दो सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. और वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, जनरेटिव सेल स्मॉलर होती है. वेजिटेटिव सेल के पास बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर होता है, जनरेटिव सेल के पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है. अच्छा कई बार क्या होता है कि जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन होता है इट शेड एट टू सेल्ड स्टेज. टू सेल्ड मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल. जब ये दो सेल बन जाती हैं तो एंजियोस्पर्म्स 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं, यानी गिर जाता है, वो रेडी हो जाता है पोलिनेशन के लिए. बट अब बचे 40%, उनका क्या? 40% जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो पोलन ग्रेन है इट शेड एट थ्री सेल्ड स्टेज. अब थ्री सेल कैसे बन गई? तीसरी सेल कहाँ से आ गई? जो ये जनरेटिव सेल है ये डिवाइड हो जाती है. जनरेटिव सेल बिकम डिवाइडेड और इस ये डिवाइड होके दो मेल गैमेट बना लेते हैं. कितने? दो. तो टू तो मेल गैमेट और एक ही वेजिटेटिव सेल, हो गई ना थ्री सेल. तो 40% ऐसे एंजियोस्पर्म है जिसमें पोलन ग्रेन थ्री सेल स्टेज पे शेड होते हैं और 60% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसमें पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं. अब शेड होने का मतलब क्या? अब शेड होने के बाद जाएंगे कहाँ पे? एवरीबडी इज अवेयर अबाउट पोलिनेशन की पोलन ग्रेन को एंथर से रिलीज होके कहाँ जाना होता है? स्टिग्मा पे जाना होता है. स्टिग्मा पे जाके वो लैंड हो जाते हैं. अच्छा लैंड होना भी इतना ईजी नहीं है, हर एक स्टिग्मा पे जाके वो लैंड होके पोलन ट्यूब भी नहीं बनाते हैं. तो क्या होता है कि जब वो लैंड हो जाते हैं स्टिग्मा पे तो कुछ टाइम पीरियड होता है जब तक वो वायबल रहते हैं. क्या रहते हैं? वायबल. नाउ व्हाट इज वायबल? वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन. जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए वायबल रहते हैं. वायबल मतलब अपनी स्टेट को मेंटेन रख पाते हैं, वो इलिजिबल रहते हैं अपने नेक्स्ट काम करने के लिए, नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए. तो कुछ पोलन ग्रेन तो ऐसे होते हैं जो जस्ट 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं. अलग अलग टाइम पीरियड होता है, वायबिलिटी पीरियड अलग अलग होता है अलग अलग प्लांट्स का. तो फॉर 30 मिनट्स लाइक राइस और सेकेंड क्या है? वीट. जो हमारे सीरियल्स हैं, क्या हैं? जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं, जो उनमें पोलन ग्रेन 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं. बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें ईयर्स तक, मैनी ईयर्स तक वो वायबल रहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली है सोलेनेसी फैमिली, आलू वाली, पोटैटो वाली फैमिली. सोलेनेसी है, लेग्यूमिनोसी है, रोजेसी है, रोज वाली फैमिली.
इस तरह की कई सारी फैमिली है जिसके अंदर पोलन ग्रेन मैनी ईयर्स तक वायबल रहते हैं। मैनी ईयर्स के लिए वो वायबल रहते हैं कि वो कभी भी जाके पोलिनेशन कर सकते हैं, स्टिग्मा पे जाके लैंड हो सकते हैं और फ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो हुई वायबिलिटी की। अच्छा, हम पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं, स्टोर एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। जैसे हम एनिमल्स के अंदर सीमन को, स्पर्म को स्टोर करके रख सकते हैं बहुत लंबे टाइम पीरियड तक कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दिया जाएगा, ऐसे ही हम प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं इतने टेम्परेचर पे और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ से पोलन बैंक बोलते हैं उसको वहाँ से निकाल लेंगे और हम उसको यूज़ कर लेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिसमें वो जस्ट 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें वो मैनी ईयर्स तक वायबल रह सकते हैं और हम उनको स्टोर भी कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये यहाँ से एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन से चार में से कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिसमें पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जा सकता है। सो दिस विल बी द आंसर, -196 डिग्री सेल्सियस। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यू नो कि जो हम माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन पढ़ रहे हैं इसका लास्ट टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अंदर हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे, इसकी यूजफुलनेस की भी और इसकी हार्मफुलनेस की भी, क्योंकि पोलन ग्रेन का कोई नुकसान है या कोई बेनिफिट है तो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की, क्या किस तरह से पोलन ग्रेन हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इट कोज एलर्जी, पोलन एलर्जी जिसको हम बोलते हैं, कि कई बार पोलन ग्रेन से क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है पार्थीनियम, क्या नाम है इसका, पार्थीनियम, इट इज़ दी बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम, अदरवाइज हम इसको कैरेट ग्रास बोल देते हैं, कैरेट ग्रास और कांग्रेस ग्रास भी बोल देते हैं। कांग्रेस ग्रास क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये जो पार्थीनियम प्लांट है, जब हमारे देश में जो है कि गेहूं की कमी हो गई थी और वीट अवेलेबल नहीं था इतना जो कि सबकी पॉपुलेशन को के लिए सफिशेंट हो, तो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ा था वीट, बाहर से लेके आना पड़ा था फॉरेन कंट्रीज से। तो जब वो वीट आया था तो उसके साथ ये प्लांट मिक्स होके आ गया था, उन वीट के साथ ये प्लांट मिक्स होके आ गया था, और कांग्रेस की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी इसलिए इसको कांग्रेस ग्रास बोल देते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ये ग्रास आई है तो कांग्रेस ग्रास, अदरवाइज इसका नाम क्या है, पार्थीनियम, और कॉमन नेम क्या है, कैरेट ग्रास। तो ये इतनी खतरनाक वीड है कि हर जगह फैल जाते हैं और इसको ख़त्म करना भी इजी नहीं है, और ऊपर से और क्या नुकसान करते हैं, इसके जो पोलन ग्रेन है वो एलर्जी कोज करते हैं, और इस तरह की एलर्जी होने से डिजीज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अस्थमा जिसको हम दमा बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस मीन्स ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकस जो है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और टिस मीन्स इन्फेक्शन, कहीं पे भी टिस वर्ड मिल जाए इसका मीनिंग होता है, कहीं पे मीन्स बायो में कहीं पे भी किसी वर्ड के पीछे टिस लगा हो तो इन्फेक्शन की बात की जा रही है, तो ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पोलन की एलर्जी की वजह से। अच्छा, ये तो हुई हार्मफुल जो पोलन ग्रेन से होता है, फिर आता है यूजफुलनेस, क्या आती है, यूजफुलनेस, कि पोलन ग्रेन की यूजफुलनेस कहाँ है, कहाँ पोलन ग्रेन का यूज़ किया जाता है। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनको फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, फूड सप्लीमेंट्स। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो क्या होता है कि इसकी बहुत सारी टैबलेट्स आते हैं, पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स आर ऑल्सो अवेलेबल, पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल। अच्छा, ये क्या करते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करती होंगी, मे बी मैनी मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इनको फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं इनको, एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, इनके अंदर पोलन, ये सब जो हैं पोलन ग्रेन को यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। तो ये थी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन, कहाँ इनका यूज़ है, कहाँ पे ये हार्मफुल है, नुकसान करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में ईजिली पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताओ पोलन ग्रेन की, क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट है और क्या इसके यूजफुलनेस है।
सो आज का टॉपिक इतना ही था। हमने पढ़ा माइक्रोस्पोर क्या है, पोलन ग्रेन क्या है, कैसे ये बनते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली। सो थैंक यू फॉर टुडे।